जय श्री श्याम। बहुत ही नंदू भैया नजर आ रहे हैं। बिना पगड़ी के श्रृंगार अधूरा लगता है इनका। महाराज जी गोरेलाल जी आए, महाराज जी से कई बार मुलाकात कथा में हुई। उन्होंने जो बात कही कि वक्ता व्यासपीठ पर एक होता है लेकिन यहां दो। सबसे पहले जब हमारे चित्र बिहारी जी महाराज और विचित्र जी महाराज से पहली बार खाटू में मुलाकात हुई, वो फागुन के एकादशी की रात थी, तो मुझे भी बड़ा कि दो एक जैसे कपड़े एक जैसे, इसलिए मैं दुपट्टे भी लेके आया। तो 29 तारीख तक महाराज जी अहमदाबाद में थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी, तो मैं कथा में रोज जाया करता था। 30-31 पथवेड़ा महाराज जी का गो सदन बहुत बड़ा बना है, और 1 तारीख को कल सारी रात का जगा हूं मैं, और आज भी सुबह 7 बजे घर से निकला। तो मेरा प्यार और आप भक्तमाल कर रहे हैं, वो भी वृंदावन में। इन्होंने एक राज खोला कि भैया जी वृंदावन वासी हो गए। देखो, बचपन से मैं भोले का भक्त रहा, सुल्तानगंज से जल भर के, गंगा जल भर करके बैद्यनाथ धाम जाना हमारा हर वर्ष का। ठाकुर जी बुलाते थे, जाते थे, लेकिन श्याम बाबा ने भोलेनाथ से मांगा प्रमाण। 1984 से हम खाटू जाना शुरू किए, भजनों में लग गए। 1988 तक, क्योंकि भोलेनाथ का रंग चढ़ा था, श्याम का रंग चढ़ नहीं रहा, तो आपस में बात हुई होगी, भाई हमको दे तो दिए लेकिन ये दिल से मेरा नहीं हुआ है। तब भोलेनाथ ने कुछ ऐसा झटका मारा कि 1988 के बाद मुझे देवघर में पांव भी रखने नहीं दिया। तो मैं रोज हर साल रोता था सावन में, महाराज ये क्या करते हो। बहुत क्रंदन किया तो 20 वर्ष के बाद 2008 में मुझे दूसरी कावड़ चढ़ाने का मौका मिला। 20 वर्ष तक भोलेनाथ ने कहा ना तू उधर ही रहो, फिर श्याम की सेवा में लगा। 2014 में जब इलाहाबाद में कुंभ था तो महाराज जी के पास बैठे थे, महाराज जी ने बुलाया और दस्तखत करके भक्तमाल मुझे दिया, नंदू भैया इसका अध्ययन करना। तो भक्तमाल को मैंने 6 महीने में पूरा पढ़ लिया, जैसा हुआ वैसे पढ़ता गया। एक एक भक्त की कहानी पढ़ी, सबको देखा, जहां तक मेरे अब बाबा के भजनों में जुड़ा हूं तो आनंद अपने स्वांत सुखाए के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए भक्तमाल को पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैंने अर्जी यही करी कि मुझे वृंदावन बसाओ। 3 वर्ष लगे पूरे वृंदावन में मैं खोजता रहा कि मेरे मनोनुकूल जगह मिली, जो खुली खुली जगह हो, सामने गार्डन भी हो, ऊपर में मोर भी नाचे, बंदर भी नाचे, छत पे जाऊं तो पानी में भी भीगूं, मन आ जाए चटाई बिछा के चंद्रमा तारों को गिनूं, ऐसा स्थान मिले। तो ठीक वैसा ही स्थान बिहारी जी ने मुझे कृपा करके मिल गया, बिल्कुल वैसा ही। अब ये कह रहे कि श्याम में श्यामा में कोई फर्क नहीं, महाराज श्री एक भजन मैंने लिखा भक्तमाल के पढ़ने के बाद कि श्याम कहे मैं हूं श्यामा में, श्याम कहे मैं हूं श्यामा में और श्यामा नाम सुहाए, श्याम कहे मैं हूं श्यामा में श्यामा नाम सुहाए, जो भजे श्यामा नाम को श्याम उसे मिल जाए। तो बिना, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, जो करोड़ों लोग आते खाटू वाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा न्यारी, उस प्रार्थना की तकरीबन
हर प्रेमी श्याम प्रेमी आरती के बाद इस प्रार्थना को गाता है, जो ठाकुर जी ने वो ठाकुर जी की प्रार्थना भी लिखी है। मनोज मोहन शास्त्री वृंदावन वाले श्रीनाथ जी के पुत्र अहमदाबाद कथा करने गए, समाचार दिया कि मैं आ रहा हूं मिलने के लिए। मैं ठाकुर जी के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि साल दुसाला तो सब देते हैं, लेकिन देखो श्याम बाबा बिहारी जी के वृंदावन से कोई रसिक आ रहे हैं, मुझे कुछ दो जो मैं उनको दू, तो हमारा काम क्या है। तो मैंने कहा मेरे को कुछ पद दे दो। तो 2.5 मिनट में वो प्रार्थना बनी जो आज हर जगह प्रसिद्ध है, हर आरती के बाद उगाई जाती, खाटू वाले श्याम बिहारी कली काल में तेरी महिमा है न्यारी। उसके अंत में है नंदू हृदय कुंज में गूंज गूंजे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। लोगों ने पूछा नंदू भैया ये खाटू वाले श्याम ये 12-13-14 साल हो गए प्रार्थना को, ये खाटू वाले श्याम बिहार में राधा जी कहां से आ गई। मैं कहा भाई देखो मैं तो मुंशी हूं, जो ठाकुर जी लिखाते हैं वो लिख देता हूं। मैंने अपने होश में मैं आज बिहारी जी के साक्षी में वृंदावन में कहता हूं एक भी भजन मैंने होश में नहीं लिखे। कल कागज कलम रख के सोता हूं, रात में उठा करके लिखाना होता लिखाते हैं, सवेरे उठ के देखता हूं रात में मैंने क्या लिखा। एक भी पद मैंने कोई की मेरे को आज भजन लिखना है, एक साल नहीं लिखे, जिस दिन उनको लिखाना हो मेरे को लिखवा दो। मैं अपना दिमाग नहीं लगाता चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास दिमाग है ही नहीं, आई एम बिग जीरो। तो जो आदमी जीरो है वो क्या प्रयत्न करेगा भाई, कोई ताकत हो तो कोई लड़े भी, जिसके पास कोई भुजबल ही नहीं है वो झूठे यूं करे, ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो मैंने कम से कम ठाकुर की कृपा रही कि मुझे मूर्खता नहीं करने दी, क्योंकि मैं अपने बल को जानता हूं मुझ में वो बल है ही नहीं, वो जो जो ठाकुर लिखाते हैं वो लिखती है। एक भी भजन मेरा नहीं है, झूठ मूठ में नंदू नाम लिखा हुआ है तो वो बिहारी जी का श्याम बाबा का। अब वृंदावन भी आ गए श्याम का क्या, तो मैंने फिर प्रार्थना कर दी ये बताओ बाबा अकेले में प्राइवेट बात बैठ के ये बताओ मेरे से प्रश्न करते हैं। एक हनुमान जी का भजन लिख दिया मैंने कि हनुमत ने जलाई लंका संसार ये जाने, हनुमत ने जलाई लंका संसार ये जाने, हनुमत को मगर शक्ति दी जगदम्ब माने। अब लो मेरे को ये कैसे कर दिया जगदम्बा ने कहां से आ गई। हनुमत ने जलाई लंका संसार ये जाने, हनुमत को मगर ये शक्ति दी जग कहां से लिख दिया। अब मैं क्या करूं, चित्रकूट गया मैं राम भद्राचार्य जी महाराज के पास। अरे महाराज जी ये भजन कैसे दे दिया ठाकुर जी ने, देखो सब मेरे से। उन्होंने कहा नहीं एक चीज और लिखो एकदम बिल्कुल सही है कि जब शंकर भगवान ने कहा कि त्रेता में कि मैं तो जाऊंगा क्यों राम अवतार हो रहे हैं और मुझे जाके सेवा करनी है। माँ बोली पार्वती की मैं भी चाह चलू, बोले तुम कैसे चलोगे, मैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। तो उसने कहा कि ब्रह्मचारिणी बन के रहूंगी, स्थान पूछ में दे दो सकती हूं मदद करूंगी, स्थान पूछ में दे दो सकती हूं मदद करूंगी। तो उस समय तो जैसे वो आया वैसे ये किया, तो फिर मेरा निराकरण किया कि श्याम कहे मैं हूं श्यामा में। उसके बाद ये भजन बना श्याम कहे मैं हूं श्यामा में, श्यामा नाम सुहाए जो भजे श्यामा नाम को श्याम उसे मिल जाए। और जिसके दिल में श्याम की सूरत उतर गई उसको तो छोड़ सावरा जाता नहीं। भाई श्याम में श्यामा में कोई फर्क है? अभी तो बताया राम रामा ने राधे राम माधव है ना, यही बोला ना, राम में राधा माधव राधा माधव। तो देखो ये जो है ना ये सब एक है, सब एक है। भक्तमाल चल रही है प्रिय विचित्र जी महाराज, प्रिय चित्र बिहारी जी महाराज, आपका स्नेह मुझे खींच लाया और आप इतने सुंदर कर रहे हैं। मैं तो चूंकि मुझे कल जाना है, मैं गृहस्थ हूं दोनों न्याय करता हूं, सन्यासी नहीं हूं मैं। एक हाथ में कितारा मेरे
एक हाथ में एक तारा दूजे में कर्म की है माला, मेरे एक हाथ में एक तारा दूजे में कर्म की है माला, हे श्याम दोनों से न्याय करूं भगवान बस तेरा सहारा मिल जाए। जय। और मैंने दोनों से न्याय किया है, अपने गृहस्थ धर्म का भी पूरी तरह से पालन किया है और सन्यास धर्म का अगर मानो 35 साल हो गए मैं सन्यासी के जैसे मैं रहता हूं घर में। अब सचो घर में रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना गृहस्थ में रह करके ये प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। जे, जे। तो आपने कहा यह और मैंने सुना बहुत आनंद आया। तो परसों मेरी पोती का जन्मदिन है 3 तारीख का, तो कहे बाबा जाने नहीं देंगे, मैं कहे जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दिया, नहीं तो झूठ हो जाऊंगा, वो भी वृंदावन वाला मेरे को आने नहीं देगा। फिर तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप दोनों की भंगिमा देख रहा था और आपने कहा महाराज जी से कि महाराज जी हम तो अभी श्रोता भी अच्छे नहीं है। देखिए वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो श्रेष्ठ श्रोता होता है। श्रेष्ठ वक्ता वही हो सकता है जो श्रेष्ठ श्रोता हो सकता होता है। जो श्रोता नहीं होगा वो वक्ता क्या खाक बनेगा। इसलिए आपने कहा कि आप श्रोता भी नहीं है, ये बहुत आपके भाव ऐसे ही बने रहे, क्योंकि जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ठाकुर जी कृपा करते रहेंगे। और कोई नहीं रसिक संत, आज मुझे बड़ा एक अच्छा लगा, मतलब ये मैं आपसे कहूं, ये मैं मतलब आज बिहारी जी के दर्शन एक तो मंदिर में है और एक ये बिहारी जी जो देखो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, मेरे तकदीर की बात को देखो। तो मैं भजन एक ही कहता हूं, चूंकि भक्तमाल से संबंधित है तो मैंने भी भक्तमाल पे लिखा, भक्तमाल के लिए जो मेरा सार। देखो भक्तमाल तो इतने ग्रंथ है, इतने भक्तों की कहानी है, मैंने सब भक्तों को पढ़ने के बाद मेरा निचोड़ निकला कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भक्त को सिर्फ भगवान की कृपा चाहिए और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भक्त का भाव चाहिए। दो ही चीज है ना, भगवान को भक्त का भाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और भक्त को जनार्दन है, भाव करा ही जनार्दन। अब देखो महाराज जी, अब मैं वृंदावन आ गया हूं, अब मैं एक रखूंगा संस्कृत के टीचर, गीता सीखूंगा, भागवत सीखूंगा अपने लिए। अब तो 70 साल का हो गया, अब मैं विद्यार्थी बन के 10 साल और सीखूंगा वृंदावन में। जय। सीखने का कोई उम्र नहीं होता प्यारे, यही उम्र है। तो बड़ा सुंदर पद गाया था वो, तू ही तेरे हवाले, ओ अच्छा मैं गाता हूं, ये थोड़ा सा फर्क है तुम्हें, अभी जब भग जाए ना तो अभी एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा। एक बार भक्तमाल दिया महाराज जी ने 2014 में इलाहाबाद में। भक्तमाल पढ़ने से मुझे क्या मिला, कुछ बातें प्रकाशित नहीं की जाती है, कुछ बात होती है जो सिर्फ हृदय में रखी जाती है। तो ये मैंने लिखा जान करके हूं, तेरे भक्तों, ये कौन सा स्केल हुआ, 3 है ना, अरे वाह 3 ही रखो। तेरे भक्तों के जीवन पहले सुन लीजिए, कन्हैया तेरी रहमत से, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया तेरी रहमत से रोशन हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया तेरी रहमत से रोशन हुए हैं, वरना रखा है, थोड़ा हल्का कर दो मीठा बजाओ जरा, वरना रखा है। भक्तमाल सुन रहे हैं आप,
हम इनको क्यों याद कर रहे हैं? बटोरने वाला कभी याद नहीं किया जाता, बांटने वाला ही याद किया जाता है। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं, वरना रखा है, वरना रखा है, वरना रखा है क्या पास इनके, वरना रखा है क्या पास इसके, ये तो सब कुछ लुटाए हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया। नरसी मीरा नरसी मीरा की झनकार में तू, सूर रस खान की तान में तू, नरसी मीरा की झनकार में तू, सूर रस खान की तान में तू, नाम जिसने हे नाम जिसने भजा है तुम्हारा, नाम जिसने भजा है तुम्हारा, हे तेरी आंखों के तारे हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया। जय हो। ये ताली हाथ भागे जरा एक साथ, जय हो जय हो। आस तेरी भरोसा तुम्हारा, श्याम भक्तों की पूंजी तू ही है, आस तेरी भरोसा तुम्हारा, श्याम भक्तों की पूंजी तू ही है, आस तेरी भरोसा तुम्हारा, श्याम भक्तों की पूंजी तू ही है, आस तेरी भरोसा तुम्हारा, श्याम भक्तों की पूंजी तुही है, वरना दुनिया में है कौन किसका। एक यही अपना आप बोल रहे थे, यह सत्य है। माना घर की जिम्मेदारी हमको आज निभानी है, माना घर की जिम्मेदारी हमको आज निभानी है, ये भी अपना कर्म है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है, ऐसे रहो कि जैसे रहता कमल पाथ पर पानी है। इनका मझधार भी है किनारा, तुझ समाझी इन्हें जो मिला है, तुमका मझधार भी है किनारा, तुझ समाझी इनको मिला है, इनका मझधार भी है किनारा, ये
कुछ समाज ही इन्हें जो मिला है, इनका मझधार भी है किनारा, कुछ समाज ही इन्हें जो मिला है। नाव इनकी, सोच के बताना, इनका मझधार भी है किनारा, तुझ सा माझी इन्हें जो मिला है, नाव इनकी, हे नाव इनकी, नाव इनकी भला कैसे डूबे, नाव इनकी भला कैसे डूबे, तेरे दिल में समाए हुए हैं, नाव इनकी भला कैसे डूबे, नाव इनकी भला कैसे डूबे, तेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया। मैंने एक बात कही, बटोरने वाले कुछ समय तक याद किए जाते हैं, बांटने वाले सदियों नहीं युगों युगों तक याद किए जाते हैं। तो हमको क्या मांगना चाहिए बताओ? सब कुछ है, इनसे वो मांगे जिसे हम चंद साल, 100 साल, 50 साल, 500 साल याद किए जाएं, कि उनसे वो मांगे? सुनो क्या मांगा, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी जीते हैं यार। श्याम कर दे चित्रजी, विचित्रजी महाराज आशीर्वाद देना, श्याम कर दे, श्याम कर दे कृपा इस जहां पर, गम के मारे अनेकों यहाँ है, श्याम कर दे कृपा इस जहाँ पर, गम के मारे अनेकों यहाँ पर, श्याम कर दे कृपा इस जहाँ पर, गम के मारे अनेकों यहाँ है, श्याम कर दे कृपा इस जहाँ पर, गम के मारे यहाँ है। नंदू देखूं मैं, एक शब्द, मैं तो कहता हूं कोई साम्राज्य पाने की नहीं चाहत प्रभु मेरी, कोई साम्राज्य पाने की नहीं चाहत प्रभु मेरी, मगर चाहत तो है इतनी, निभे यारी तेरी मेरी। श्याम कर दे कृपा इस जहां पर, गम के मारे अनेकों यहां है, श्याम कर दे कृपा इस जहां पर, गम के मारे अनेकों यहां। ये सब हाथ उठा के जितने लोग बैठे ये प्रार्थना करना, आज भक्तमाल भी है और भक्तमाल के श्रोता मेरा गोविंद भी बैठा है, हाँ हाजरा, श्याम कर दे कृपा इस जहां पर, गम के मारे अनेकों यहां है, श्याम कर दे कृपा इस जहां पर, गम के मारे अनेकों यहां है। नंदू देखूं मैं ऐसा सवेरा, नंदू देखूं मैं ऐसा सवेरा, नंदू देखूं मैं ऐसा सवेरा, सबके लब मुस्कुराए हुए हैं,
चंद देखू मैं ऐसा सवेरा, सबके लब मुस्कुराए हुए हैं तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं, वरना दुनिया में है कौन किसका, वरना दुनिया में है कौन किसका, यहाँ अपने पराए हुए हैं तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया। कल 9:30 बजे जाना है, आज रात्रि विश्राम हम करेंगे यहीं पर, लेकिन बहुत जल्दी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम वृंदावन से जाएं और तुरंत कीर्तन करके वृंदावन आ जाएं, ये व्यवस्था में 2-4 महीने में हो जाएगी ऐसी व्यवस्था कि हम यहीं जाएंगे वृंदावन से कीर्तन करने जाएंगे, जहां भी जाना होगा देश विदेश जहां भी चाहे कहीं जाएं, अभी दुबई 25 जून को जा रहे हैं, कहीं भी जाएं। तो मन तो कर रहा था कि एक कथा भक्तमाल मैं अपने प्रिय जो आज व्यासपीठ में बैठे हैं मेरे प्रिय द्वय, मैं उनसे सुनता, लेकिन अब महाराज जी ने भी कह दिया कि कल आओ, लेकिन 9:30 बजे निकलूंगा मैं, रात में जाके महाराज जी से मिलूंगा। अभी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, अब बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधिका शरण जी महाराज के पास जाएंगे, प्रहलाद जी आए हुए हैं, महाराज जी प्रहलाद जी आए हुए लेने के लिए बैठे होंगे कहीं पर, तो स्वामी है वो संत नेमिसारण के, और बहुत बहुत आप खूब ऐसे ही आपके रंग जमता रहे, आप ऐसे करता रहे, बस इसी के साथ समय भी बहुत हो गया। जय श्री राधे।